हम लोग उमरू यार की कहानियां पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं और हमारे बाद आने वाले हमारे हुक्मरानों की करप्शन के किस्से सुनकर। वैसे अगर उमरू यार इन सियासतदानों को देख लेता ना तो कानों को हाथ लगा कर यही कहता कि अरे इतना यार तो मैं भी नहीं था। वैसे हमारी अवाम भी हुक्मरानों को उमरू यार समझकर उनसे ये उम्मीद लगा लेते हैं कि वो अपनी जमीन से सस्ता तेल, सस्ता पेट्रोल और सस्ती बिजली निकाल कर सामने रख देंगे और हमारे हुक्मरान सारा माल लूट के अपनी जमीन में डाल लेते हैं और साथ पासवर्ड लगा लेते हैं। लेकिन सोच रहे होंगे आप कि आखिर ज्यादा आयार कौन है, उमरू या फिर हमारे सियासतदान? तो आइए चल के मुआवजा कर लेते हैं। वेलकम टू मस्तियां। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के ओ परदेसी मेरे यारा। बिल्कुल मेरी दादी की आवाज है। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी बीना जी, तुसी अपने शो ही बुलाया। हालांकि मेरे बारे लोकी को ख्यालात चंगे तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी ताड़ी मोहब्बत, ताड़ा प्यार, आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए। नहीं जी, मेहरबानी उस रक्षा वाले दी जिहड़ा मैंने इत्थे छड़ के गया। हाँ जनाब, तो पता है कल किराए रक्षा किन्ने ने। आपका कालीन किधर है? वो धोना दिता है। इतने ट्रायर्स हैं आपके पास, उड़ने वाला कालीन, सुलेमानी टोपी, तो रिक्शे में क्यों घूम रहे हैं? देखो मेरी गल सुनो बीना जी, जिस मकान दे विच मैं रह रहा 7 साल हो गए ने, किराया ही नहीं दिता। हंसने वाली क्या बात है, जब मालक मकान आता मैं टोपी पा लेता जी। यार ये वैसे तो हमारे रूहानी उस्ताद हैं, लेकिन हम आज के दौर में इनसे दो हाथ आगे पहुंच गए। तुम सियासतदान हो जी, और यकीन जानो ये बच्चा 12-13 वोटों ना जीत जाता होना। आजाद करवाया, एक मेहरबानी कराओ ये सहरिया को बीवी भी आजाद करवा। एडा छोटा सियासतदान असेंबली च अपनी 4 इटा लैके जाता है, पहले थले रखता फिर उत्ते खलो के तकरीर करता। नहीं नहीं, ये ऐसे ही कह रहे हैं, बंदा लड़ाई झगड़े दुश्मन होते हैं, ईंट चलानी पड़ जाती है। असली सुलह, अगर तुम मुल्क चलाना है तो सुलह करो भाईजान। हक जो है ना छीनने से मिलता है, मांग के नहीं मिलता। ये बिल्कुल तुम बकवास कर रहे हो। हक मांगने से मिलता है, वो सबूत बैठा हुआ है पीछे। बिल्कुल सही, आपने इतनी शहजादियां आजाद करवाई हैं तो कभी किसी शहजादी पर दिल नहीं आया? अच्छा मैं समझिया पिछो शहजादी कटेगा सोफे चुक गया। अच्छा होया प्यार, पता की मेनू नहीं सी होया, उनको हुआ था। ओदा बनदा सी, एडा मुंह वेखे ही नहीं उन्हें कभी। मुंह नहीं वेखे बेटे, पग वेख के बेहोश हुई। पग देख के क्यों बेहोश हुई? मजे बेहोश है, मैं उन पूछांगा। होश तो आ लेंदे, होश ही ना आवे तलियां मलियां मैं चसिया चंगी तरह। अच्छा उमरो यार दा फिर फार्मूला कौन सा? मैं कागज दी बत्ती बनाई, ओदे अंगूठे दित्ती, अंगूठे ते अग लाई, जा करके उठी। फिर अखां चार होईयां, फिर एटमॉस्फेयर बन गया बीना जी, जिन्नात इकट्ठे होए ने, एक जिन ने कलांट कढ़ी है। कोक ऑफ ते भी तुहाडी ब्रांच है? नहीं इन्हां लई कलांटा ते इत्थों मुक जांदी है ना, ओदी उत्थों तक सी। शुरू किया कहीं दीप जले कहीं दिल। भाई मैं कहना कहीं लगे कि फिजा झूम रही है, बस उतो प्यार शुरू होया। फिर माशाल्लाह शादी हुई। अब कहाँ है वो? बस तलाक हो गई उस तो बाद। ओहो, जिले खर्चा मंगती मैं गायब हो जाता सी। सियासतदान कीड़े ते बह के समुंदर पार कर लैंदा। मैं चाहना वा कि मैनू विग दे ताने देंदे ने, कोई एहो जी दवाई दिओ मेरे वाल अपने निकलन लंबे लंबे वड्डे वड्डे। खुसे तो करम दसी नहीं मैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ 100 ਖੁੱਸਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਖੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 10,000 ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਓ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੱਲ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਨੇਲ ਤੁਲ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਆ? ਉਨਕੀ ਜ਼ਮੀਲ ਸੇ ਤੋ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਆਤੀ ਹੈਂ और आपकी जमील में जो चीज जाती है बाहर ही नहीं आती। यो जे सियासतदान ने दरखास्त दे के कह रहा मेरा हलका छोटा कर दो, मैं भी छोटा, मेरा हलका भी छोटा। यो जे सियासतदान नु एक वोट पवे पोलिंग स्टेशन बंद, मैं जीत गया।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਿੜ ਕੇ ਸੰਭਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੰਡੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸਧਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੀ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਨਾ ਜੀ ਯੈਸ ਯੈਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੁਰਸ਼ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪ ਕੀ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਓਏ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਇਹ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਇਹ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਓਹੋ ਹੈ ਓਹ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੇ ਬਤਾਏ ECL ਮੇਂ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹਾਂ ਯੇ ਬਤਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਸਲਮਾਨੀ ਟੋਪੀ ਯੇ ਆਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਗਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕਨੀ ਓ ਵਾਓ ਬਿਗ ਡੀਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੀ ਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲਾਓ ਕੀ ਲਾਂਦੇ ਹੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ 1 ਲੱਖ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਲੱਖ 1 ਲੱਖ 35000 135 140 ਦੇਗਾ ਕਿਥੋਂ ਦੇਗਾ ਕਿਥੋਂ आप लोग इतनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस करते हैं जिसका लीक होने का डर है आप जैसे सियासतदान अपनी रैली च पैरा च नपया जंदा और ओ जैसे सियासतदान दे नारा ही जीव हुंदा है क्या ना चौका ना छक्का लतीफ निका लतीफ निका और देखें ये तो बकवास थी ये झूठ प्रोपेगेंडा उमरू यार ये ये आपको बकवास और झूठ कह रहे हैं उमरू यार नहीं तो बनता है क्या किया गया इसने जब से आए उमरू यार लगा बेटे पग ही सिर्फ तेरे सिर पे रखती ना 6 दिन तू निकलना नहीं है थलों अच्छा मेरी बात सुनो बातें करने से ना कुछ नहीं होता अच्छा जी अल्लाह अब तुम मेरे शागिर्द हो चुके हो माड़ो शागिर्द रो हो चुके हो मां थारो शागिर्द हो चुके हैं मने पता ना लागे माड़ो शागिर्द हो चुकड़ो घुटनों को हाथ ना लगा उस लोग हाथ लो लगड़ा रो उस्ताद लो बोल लो तो छपेड़ लो मार लो हेलो एवरीबॉडी अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियां मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस आप जाएं हमारे YouTube चैनल पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियां